9 जून 1976 को ब्रिज कैंडे हॉस्पिटल ट्रस्ट मुंबई में जन्मी अमीषा पटेल, जो कि इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री हैं। इन्होंने फिल्म गदर से इंडस्ट्री में एक नई पहचान बनाई और साथ ही कहो ना प्यार है से डेब्यू कर उन्होंने इंडस्ट्री की सभी अभिनेत्रियों को मात दिया। बता दें कि अमीषा पटेल अपने ज़माने की बेहद फेमस एक्ट्रेस रह चुकी हैं, पर महज 45 वर्ष की उम्र में जहां पर वो जन्मी यानी कि ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल, वहीं पर वो अपनी आखिरी सांसें ले चुकी हैं। कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री में जगह ना मिलने की वजह से धीरे धीरे अमीषा पटेल डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नशीली चीज़ें लेना शुरू कर चुकी थी, जिसके बाद अमीषा पटेल को देर रात सांस लेने में दिक्कत हुई और उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में ही एडमिट करवाया गया। और बताया जा रहा है कि आज सुबह ही अमीषा पटेल का निधन हो गया है। हालांकि उनके निधन की खबरें अभी तक सिर्फ सर्कुलेट ही की जा रही है। इसकी पुष्टि ना उनके परिवार वालों में से किसी ने की है और ना ही किसी बड़े सेलिब्रिटी ने, जिसके तौर पर यह माना जा रहा है कि अमीषा पटेल के निधन की खबरें महज अफवाहों के तहत ही फैलाई जा रही हैं। दोस्तों, अगर आप भी अमीषा पटेल के फ़ैन हैं तो उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हुए कॉमेंट में गेट वेल सून ज़रूर लिख दें और श्रद्धा भावपूर्ण इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। हमारे इस वीडियो का बनाने का असली मकसद यही है। अगर आपने भी इस तरीके की किसी भी जानकारी को देखा या सुना है तो उस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।